Hello friends welcome back to ever study classes as you know that we are running a 5 minute series on a platform for net and set commerce and management exam and the topic for today's discussion is ulrich model of hr इसके अलावा हमारे कुछ और भी कोर्सेज़ हैं पेपर वन जनरल पेपर और पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए जनरल पेपर के लिए हमारे पास है मिनी कॉम्बो पैक एंड कंप्लीट कोर्स पेपर टू के लिए है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन प्रैक्टिकल यूनिट्स कोर्स एंड कंप्लीट पेपर टू कोर्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी और इसके अलावा पेपर वन और पेपर टू का कंप्लीट कोर्स भी हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस एचआर मॉडल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके बिना वो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती इसी बात को ध्यान में रखकर डेव अल्ट्रिच ने ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक एचआर मॉडल बनाया था अल्ट्रिच के अकॉर्डिंग लार्ज स्केल बिजनेस में एचआर फंक्शंस चार सेगमेंट्स में कंपार्टमेंटलाइज़ होने चाहिए और ये चार सेगमेंट्स हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनर चेंज एजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट एंड एम्प्लॉय चैंपियन इन चार की रोल्स की हेल्प से अलरिच ने ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉइज़ के लिए और ज़्यादा फ्रेंडली और एफिशिएंट बनाने की कोशिश की थी उन्होंने इस बात पर भी स्ट्रेस किया था कि जो शेयर्ड सर्विस एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कॉल सेंटर्स में ऑपरेट किया जाए जहां पर सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो जिससे पूरे बिजनेस को बेसिक सपोर्ट और डायरेक्शन सही तरीके से मिल सके सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फोर एच आर बाय डेव अलरिच सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनर की स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स ऐसी स्ट्रैटेजीज और प्लान्स बनाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइमेंट में हो ये लोग लाइन मैनेजर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं जिससे बिजनेस की स्ट्रेटेजीज़ को सही तरीके से फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट किया जा सके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स वर्कफोर्स की डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं और मैनेजमेंट टीम के डिसीजन मेकिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं नेक्स्ट एचआर रोल है हमारे पास चेंज एजेंट चेंज एजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को सपोर्ट करते हैं जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में नए चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं तो लोग उन्हें इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते दे यूजुअली रेजिस्ट दीज चेंजेस तो चेंज एजेंट्स इन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और इंप्लाइज को चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए करते हैं। agents, को करते हैं जिससे वो इजीली चेंजेस को लीड और फैसिलिटेट कर सकें और ये मैनेजमेंट के डेवलपमेंट को भी इनहस करते हैं नेक्स्ट रोल है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स लेजिस रेगुलेशन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी रूल्स और डिफरेंट लेबर या ट्रेड लॉज में चेंजेस को फॉलो करते हैं और इन चेंजेस को अडाप्ट में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स मॉडर्न एच आर आई एस सोल्यूशनस को इंट्रोड्यूस करके मैनुअल डेटा एंट्री को एलिमिनेट करते हैं और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में पीपल और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कॉस्ट को भी मैनेज करते हैं नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय चैंपियन। एच आर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करें उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और उनके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेशंस भी रन करें जिससे एम्प्लॉयज़ की स्किल्स डेवलप हों एच आर एक रेगुलर ग्रीवियंस प्रोसीजर भी मैनेज करते हैं जिससे वो ये इंश्योर कर सकें कि एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट से फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा हो इंप्लॉय चैंपियन ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉज सेफाइड रहे और ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जिससे लोग वहां पर काम करने में इंटरेस्टेड रहे सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेव अल्रिच मॉडल डेव अल्रिच मॉडल में हमने एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की है जो कोऑर्डिनेटेड वे में एज ए यूनिट काम करे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल रहे इस मॉडल में हमने एच आर रोल्स को क्लियरली डिफाइन किया है और हर एक रोल के साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक्सप्लेन करी है कि जो भी पर्सन उस रोल में होगा वो किन चीज़ों पर फोकस करेगा जब हम चीजों को इतना प्लान वे में लेकर चलेंगे तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगी और हम ये भी मेजर कर पाएंगे कि हम गोल्स की अचीवमेंट के लिए डिजायर्ड वे में काम कर रहे हैं या नहीं बाकी सब सिस्टम्स की तरह ये सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सॉलिड बेंच प्रोवाइड करता है सो दैट वॉज ऑल अबाउट अलरिच मॉडल ऑफ एच आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा यह आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन रीच अस एट द डिटेल्स मेंशन ऑन योर स्क्रीन You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.